जैसे कि आपको पता चल गया होगा टाइटल थंबनेल से कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। मेरे लिए आज मैं बाइक से सर्विस करा रहा हूँ। जो भी कॉस्ट रहेगी ना सर्विस के, पहले वो बता दूंगा आपको लास्ट में। सर्विस 1000 किलोमीटर पे आपकी फर्स्ट सर्विस होती है। मतलब इस महीने में आपने 5000 सब्सक्राइबर कर दिए ना, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं बाइक में एग्जॉस्ट लगा दूंगा, बहुत भयंकर वाला एग्जॉस्ट लगाऊंगा। जल्दी से यार 5000 सब्सक्राइबर करो इस महीने में। देखो भाई कितना ट्रैफिक रहता है सही में। लिटरली मैं चंडीगढ़ में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया, और भाई यहाँ तो लाइटें ख़त्म ही नहीं होती है। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा टाइटल थंबनेल से कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, मेरे लिए आज अपनी बाइक की सर्विस करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार 950 किलोमीटर चल चुकी है। फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे आपकी फर्स्ट सर्विस होती है, सेकंड सर्विस 8000 किलोमीटर पे होती है। मेरी पहली सर्विस है 1000 किलोमीटर पे, और उसके 1000 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ, बट 50 किलोमीटर और रह गया। 950 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक, और क्या कॉस्ट रह गया आपको सारा कुछ बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा आपको ब्लॉग में। मतलब इस महीने में आपने 5000 सब्सक्राइबर कर दिए ना, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं बाइक में एग्जॉस्ट लगा दूंगा। जल्दी से यार 5000 सब्सक्राइबर करो इस महीने में। तो भाई आप लोग सपोर्ट करो और प्यार बनाए रखो, और बाकी चलते यार फटाफट बिना देरी किए, क्योंकि यार यहीं लेट हो जाएगा, फिर बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। सर्विस की क्या कॉस्ट रहेगी वो आपको डिटेल में बता दूंगा। और सर्विस में ना दो चीज़ें चेंज होती है, एक इंजन ऑयल और एक ऑयल फिल्टर चेंज होता है, बाकी चैन वो साफ कर देंगे। भी कुछ रहेगा यार फर्स्ट सर्विस में वो आपको डिटेल में बता दूंगा। और फटाफट बिना देरी के लेट्स को निकलते। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बताते हैं कि भाई कैसे होती है सर्विस, क्या होती है, तो अंदर जाते हैं। सर्विस करानी पहले सर्विस? हाँ बोल दिया उन्हें, कर दो आप स्टार्ट। तो लेट्स गो भाई अपनी सर्विस। तो पूछेंगे कि भाई कितनी की होगी इसकी सर्विस, वीडियो नहीं बनाना, मना गया। तो गाइस अभी एक चीज़ हो गई कि यार अंदर ना बिल्कुल मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए यार मैं दिखा नहीं सकता कि बाइक कैसी सर्विस हो रही है, क्या होगी सर्विस। कम से कम 1500-2000 तक कह रहे हैं, बाकी देख लेते हैं, पूछेंगे लास्ट में उनसे कि भाई कितनी की सर्विस होगी। तो पीछे देख सकते हैं, अलाउड नहीं वैसे, क्या बोलते हैं, पीछे वीडियो बनाना जहाँ पे सर्विस हो रही है मेरी बाइक की, और वहाँ पर पीछे देख सकते हो वहाँ पर सर्विस हो रही है। तो भाई इसलिए वीडियो बना नहीं सकता, मैं मना कर रहा हूँ। मैंने पूछा यार कि थोड़ा एक फ़ोटो क्लिक करने को भी मना कर रहे हो, मेरे को वीडियो बनाना था, बट उन्होंने मना कर दिया, साफ सीधी बात है कि नहीं बनानी वीडियो। तो मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, और जो भी कॉस्ट रहेगी ना सर्विस की, पहली सर्विस की वो बता दूंगा आपको लास्ट में। यहाँ पे देख सकते हो तो वहाँ पे लगी हुई है अपनी बाइक, दिखाते हैं जूम करके दिखाते हैं। ये सीन है भाई, अंदर अलाउड बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है अलाउड। चलो कोई बात नहीं, आपको लास्ट में बता दूँगा कि जो भी होगा। और डायरेक्ट मैंने ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया था, क्योंकि यार ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मौसम देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके का बन रखा है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैंने बाइक की सर्विस करा दी है। अरे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मना था। जो पहली सर्विस हुई ना 1707 रुपये की हुई है, तो मेरे पास ना इनवॉइस है नहीं, बट यार इनवॉइस ना, क्योंकि यार एक KTM की ऐप होती है प्ले स्टोर पे, KTM इंडिया ऐप होती है, तो उसमें मैंने 4 सिम नंबर डाला और सारी डिटेल, और कुछ टाइम के बाद ना इनवॉइस भी आ जाएगा मेरा वहाँ पर। जो पहली सर्विस हुई ना मेरी 1000 किलोमीटर पर हुई है, तो 1000 किलोमीटर पर कम से कम 50 किलोमीटर और था। तो मैंने गांव जाना था, तो मैंने सोचा कि यार आज ही मैं सर्विस करा लूँगा, क्योंकि बाकी टाइम मेरे को टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहता है मेरा। तो इस वजह से यार मैंने सोचा कि यार आज मैं थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला, बट मैंने टाइम निकाल के मैंने सर्विस कराई आज, और फाइनली देख सकते हो बाइक की सर्विस करा दी है, फर्स्ट क्लास हुई है। तो थोड़ा बहुत अब देखते चला के पता चलेगा कि कैसी हुई क्या हुई है। पहली सर्विस हुई है 1707 रुपये की हुई है। जीरकपुर में भी करा सकता था मैं सर्विस, रिस्पॉन्स आता नहीं सर्विस का, तो इसलिए यार मैंने यहाँ पर सोचा कि यार यहाँ पर आ जाऊँ मैं, और अनिल भाई के पास आया तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा बाइक की सर्विस करा दी है। तो थैंक यू सो मच अनिल भाई इतनी जल्दी सर्विस कराने के लिए। बट यार एक चीज़ बताऊँ ना, जब मेरा बिल कटवाना था उन्होंने, बट यार उसी टाइम लाइट चली गई थी। सर्विस आप कह रहे थे ना कि कितनी की होती है, तो जो पहली सर्विस होती है भाई ये होती है भाई, आपको पता चल गया, बता दिया मैंने आपको। देखो भाई कितना ट्रैफिक रहता है सही में। लिटरली मैं चंडीगढ़ में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया, और भाई यहाँ तो लाइटें ख़त्म ही नहीं होती है। वो देखो भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई यार सही में लिटरली भाई, और भाई इतनी गर्मी हो रही है ना सही में भाई, मौसम इतना मतलब कि पता नहीं क्यों यार बारिश ही हो ही नहीं रही है। बाकी आप गढ़वाल में देख लो, कहीं भी पहाड़ों में देख लो, बारिश खतरनाक हो रही है, बट यहाँ तो नामो निशान ही नहीं है बारिश का सही में लिटरली यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी मेरे ना बैक साइड में ना आप देख सकते हो पीठ पर ना इतनी गर्मी भाई, पूरा पसीने से मैं
कसम से पसीना ऐसे चिपचिपा लग रहा है भाई पूरा कसम से। इतनी गर्मी भाई आज तक मैंने कभी नहीं देखी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है पता नहीं क्यों यार। फाइनली अभी अपनी बाइक ना डीजल से भी वॉश हो गई है। इंजन जैसे हीट होगा थोड़ा सा दिक्कत आएगी बट कोई नहीं, ना चलान भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो मेरी बाइक पहले पिछली वाली बाइक देखी होगी ना फैज़र भाई, यहीं ज़्यादा करके चलान आते थे यहाँ पे। बट अभी मेरा नंबर प्लेट भी नहीं आया तो कोई चक्कर नहीं है। बट कभी कभी पुलिस वाले क्या बोलते पीछे पड़ जाते हैं भाई, ये भी सीन है। बट कोई नहीं, आराम से चलाऊंगा भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं कि तेज़ रेस ड्राइविंग करूंगा, आराम से बिल्कुल यार। क्योंकि अपनी बाइक ना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बाइक से, सही में इतनी ज़्यादा प्यार तो भाई लड़की से भी नहीं करता हूँ, लड़की से भी क्या करना है। मैं अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई, सही में लिटरली बताऊँ तो। और मैंने उनको ये भी बोला था कि यार हीटिंग प्रॉब्लम इशू यार क्यों आ रहा है, हीटिंग प्रॉब्लम तो आती है और धीरे धीरे जैसे इसकी सर्विस होगी ना तो थोड़ा बहुत माइलेज। मैंने ये भाई जो मेरे को दिक्कत आ रही थी ना मैंने सारा कुछ पूछ लिया उनको कि भाई मैं सबसे पहले इशू पता है इसका हीटिंग का इशू है, सेकेंड इसकी चैन में से क्या बोलते हैं आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि भाई आपको ना दो तीन दिन के बाद ना चैन लूप मारना पड़ेगा चैन पे, दो तीन सर्विस के बाद धीरे धीरे माइलेज देगी आपको जितनी ये कंपनी प्रेफर करती है 35 बट 32-33 इतना तो एवरेज देगी आपको। बाकी आज मैंने क्लियर करवा दिया उनसे कि भाई हीटिंग इशू, वो कहते हैं हीटिंग इशू तो आएगा ही आएगा आपको इतना नॉर्मल। और यहाँ पे पुलिस कर्मी और देखो ट्रैफिक भाई, सही में अनलिमिटेड ट्रैफिक है भाई सही में आज कल तो यहाँ पे भाई मस्त चल रही है। अब तो भाई पूरा पावर खींच रही है भाई, सही में मेरे को थोड़ा सा फील आ रहा है कि भाई इसकी पावर थोड़ी सी हल्की इम्प्रूवमेंट हुई है। ओ भाई सही है यार, पावर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है पावर में मेरे को लग रहा है। और पे जो आवाज़ आ रही थी ना पहले तो वो भी बंद हो गई। अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि भाई थोड़ा सा बाइक में मतलब कि थोड़ा सा पावर और चैन की जो दिक्कत है ना वो भी सॉल्व हो गई है। पहले सर्विस में भाई क्या क्या चेंज हुए, एक ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल यही चेंज हुए, और बाकी जो पहले सर्विस में जो रहती ना वो फ्री रहती है लेबर चार्जेस, बाकी इंजन ऑयल का ही रहता है बाकी। सो गाइस आप जिस दिन 5000 अगर करोगे ना तो भाई उस दिन पक्का आपसे प्रॉमिस है कि भाई इस बाइक में एग्जॉस्ट लगा दूंगा मैं, बाइक में तुरंत भाई बिना देरी के मैं एग्जॉस्ट लगा दूंगा मैं। और भाई जो एग्जॉस्ट रहेगा तो काफ़ी तगड़ा वाला एग्जॉस्ट लगाऊंगा मैं। ओ भाई अब फील आ रहा भाई, थोड़ा सा पावर फील आ रहा भाई इसकी पावर। गाइस यार यहीं पे वीडियो एंड कर देता हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ पंचकुला में। तो भाई जिसने भी सर्विस करवानी होगी ना चंडीगढ़ में करवा देना भाई, काफ़ी अच्छी सर्विस होती है और भाई वहाँ पे जल्दी भी हो जाती है। एड्रेस है Phase 2 राम दरबार इंडस्ट्रियल एरिया और 385 प्लॉट नंबर, और आधा एक घंटे में हो जाएगी आपकी सर्विस। और ये पहली सर्विस में इतनी 1700 की सर्विस रहेगी आपकी और सेकंड सर्विस 8000 किलोमीटर पे। और आज की वीडियो कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, और जो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।